वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है दिवाली, विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। अच्छे से इंजॉय करा होगा आई होप आपने, बिकॉज जब तक मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी दिवाली जा चुकी होगी। मतलब ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, एक दो दिन हो गया होगा, मतलब आई गेस प्रोबेबली। सो सिचुएशन ये है, मैं अभी जा रही हूँ बाहर डेकोर करने, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं ना। लास्ट ईयर मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, सो आई थॉट इस बार शूट कर लेते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई मैंने रात बहुत लेट हेड वॉश किया था, अराउंड 10:30 और 11, और उसके बाद मैं लेट गई और सुबह मैंने देखा मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, मतलब वेवी हो गए हैं। आई डोंट नो व्हाई, कोई बात नहीं, उनको शाम को मैनेज कर लेंगे जब रेडी होंगे। सो अभी मैं आम के पत्तों की स्ट्रिंग्स बना रही हूँ डेकोरेशन के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। सो चलते जल्दी से डेकोर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज शाम होते होते ना इतना सारा काम हो जाता है, फिर लेट हो जाते हैं, फिर लगता है ये मिस हो गया वो मिस हो गया। सो इस बार मैं रेस्ट नहीं लेने वाली, तो चलते हैं। ओके, सो एज यू गाइस कैन सी मैंने पीछे थोड़ा सा डेकोर किया है, मॉर्निंग में कर दिया था ये, बट ये कंप्लीट नहीं है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है अभी। तो पहले काम करते हैं, फिर उसके बाद शाम को यहाँ क्लीन करके फिर भी कर रंगोली स्ट्रिंग बनानी है जो हम इनके बीच में लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आई मेकअप पिक पिक रंगोलीज। ओके, और आई डोंट नो आप लोगों को ढोल की आवाज़ आ रही है नहीं, पीछे आ रही, बंद हो गया। ओके, तो यहाँ पर डेकोर करते हैं। ये रहे मेरे आम के पत्ते जो मैंने क्लीन कराए हैं पानी में भिगो दिए, क्योंकि पेड़ पे जब ये लगे हुए थे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी थी इन पे। एंड बाय द वे दिस इज़ आर होम जिम सेटअप, थोड़ा सा मतलब सामान है तो मैंने उसको पीछे और शिफ्ट करा दिया, थोड़ा मैसी लग रहा है, इग्नोर इट। सो नीडल एंड थ्रेड मैं इससे बनाने जा रही हूँ। डबल करना पड़ेगा एक्चुअली मेरे को, ऑनेस्टली मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ क्या करूँ। पहले मैं रात को सोई भी नहीं हूँ यार, मेरा मन करे थोड़ी देर सो जाती हूँ फिर स्टार्ट करूँगी, बट अगर मैं सो गई फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। यार आई एम नॉट लाइकिंग माई हेयर, मतलब मेरे को बहुत अजीब लग रहा है अभी ऐसे। एनीवे, सो आपको धागा ले लेना है, अच्छी खासी लेंथ होनी चाहिए उसकी। ओके, एंड हेयर्स आर बंगाली जो मैंने वॉश करा लिए। उसके बाद तो मैंगो लीफ लेना है, गिव इट अ गुड फोल्ड। सो गाइस ये ऑलमोस्ट बन गई है, मतलब थोड़ी सी बची है। मेरी हमेशा फर्स्ट ट्रायल वाली जो होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं बनती, पता नहीं क्यों। इसके बाद जो बनेगी वो अच्छी हो। वाओ, कितनी प्यारी लग रही है यार, अच्छी लग रही है। चलो एक दो लीफ और डालते हैं इसमें, उसके बाद उसको हैंग करते हैं। ठीक है, मैंने एक हैंग कर दिया है और यस एंड इट्स लुकिंग प्रिटी। सो कि मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ, अभी सारे जब बना लूँगी हैंग करने के बाद तब मैं आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, मैंने जल्दी से काम किया वहाँ पे फिनिश, जितना मुझसे हुआ अभी मेरे को रंगोली बनाना बाकी भी रहता है एंड दिए वगैरह लगाना। सो मैंने सोचा पहले रेडी हो जाती हूँ फिर आराम से करूँगी, तो मैं आपसे प्रॉपर रेडी होकर मिलती हूँ। ओके, गाइस आई एम ऑल रेडी, देखो कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। सत्यानाश, इयर रिंग टूट गया, ये भगवान।
मतलब यही होना होता है ना जब मेरे को लेट हो रहा होता है और एकदम शाम हो गई है, आई थॉट एक दो रील बना लेती हूँ। रील बन गई मेरी, रील नहीं बनी मेरी, रील बन गई। गर्मी मैंने इतनी जल्दी जल्दी किया है। ओके कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ओके तो फाइनल लुक, सो गाइस आई एम आउटसाइड। यार देखो आई डिड अ प्रीटी गुड जॉब है ना, मतलब स्क्रैच से बनाया है यार ये मैंने खुद से। नाइस। सो अब आती है बात रंगोली की। मैं आई एम नॉट गुड एट आर्ट एंड क्राफ्ट, मैंने पहले बोला था। तो मेरे जैसे महान कलाकारों के लिए ये चीज़ इन्वेंट हुई है रंगोली बनाने के लिए। वैसे मैं रंगोली बना लेती हूँ, मैं पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दीज। उससे पहले मैं मीशो से अभी तक खुद से रंगोली बनाती थी, इतनी वाव वाली नहीं होती थी मेरी, पर हाँ प्रिटी डिसेंट मतलब अच्छी लगती थी। तो बट मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई, इनको भी अच्छी। ये माता के पैर हैं, उल्टे पकड़े हैं, जूनी पकड़ने चाहिए। यस, ये माँ लक्ष्मी के पैर है, ये हमारा फ्लावर है, और यहाँ पे मैं ये ओम हूँ, एंड हियर्स वन मोर फ्लावर। ये तो आई जस्ट होप इनसे अच्छा कुछ हो जाए, खराब ना हो। तो शुरुआत करते हैं। सुबह से अच्छे लग रहे हैं ना मेरे बाल। ये मेरे बाल ऐसे रहते हैं हमेशा, और कल वॉश होने के बाद पता नहीं क्या हुआ, सत्यानाश हुआ जो भी हुआ। ओके सो स्टार्ट करते हैं गाइस। एक मज़ेदार बात बताती हूँ, पूरे दिन से डेकोर मैंने किया, सारा काम मैं कर रही हूँ, और इधर आना देवी जी आई है रेडी होके फोटो क्लिक कराने। After all, it's Diwali and you are घर की छोटी बेटी, so you छोटी बेटी आराम। मैंने सुना छोटी बेटियों को सबसे घर की छोटी बेटी होती है वो मस्त आराम करती है, आराम करती है, किचन में नहीं जाती, पर ये सब तो करती है। एक्सक्यूज मी यार, अब मैंने ये कर तो दिया है ठीक है, इसको उठाऊं कैसे? गाइस आई एम प्रो, मुझको सब आता है, मैं सब कर रहा हूँ। जोर लगा के चल जाऊँ। सो गाइस फाइनल टचअप की बारी है मेरी रंगोली को, तो मैं फ्लावर से डेकोर करूँगी आउटर साइड रंगोली का, और उसके बाद दिए वगैरह लगा देंगे साइड्स में तो और अच्छा लगेगा। तो जल्दी से करते हैं। देखो खुले हुए फ्लावर्स नहीं मिले तो मैंने माला ले ली, अब मैं इसको तोड़ कर फ्लावर्स निकालूंगी इसके, फिर किस सिटी से देखते हो?
सरप्राइज मेरे को लास्ट मोमेंट पे एड्रेस मिली, इतनी सी हुई बात, कोई बात नहीं। मेरे को लग नहीं रहा है इनसे कंप्लीट हो पाएगा, बहुत कम है। वैसे मेरे घर के फ्लावर्स हैं, मैं सोच रही हूँ इन्हीं को तोड़ देती हूँ, फिर डाल देती हूँ। मेरे घर पे स्ट्रीट डॉग आते हैं, ये आगे बेचारा पटाखों से डर के, मैंने इसका नाम पैचू रखा हुआ है बिकॉज इसकी बॉडी पे पैच्स हैं। यार एक और मैडम आ गई, कम हियर क्यूटी, इधर आओ। ये दोनों डर रहे हैं यार पटाखों से, बैठ जाओ। दोनों डर के बैठ गए पटाखों से। एक और था अभी रॉकेट, तो वो भी था, पता नहीं कहाँ गया, भाग गया। और मैं दीका वेट कर रही हूँ, वो आए मेरी एक दो फोटो क्लिक कर दे। मैं बहुत थक गई, मतलब ऐसा हो रहा है मैं लेट जाऊँ और सो जाऊँ, भूख भी लगी है साइड में, प्लस अभी पूजा भी नहीं हुई है, पूजा भी करनी है अभी हम लोगों को, जल्दी से आए। एंड सी मैं रंगोली, अभी कलर्स पड़े मेरे को वो भी उठाने हैं, टू लेजी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग गाइज, आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और आप लोगों की दिवाली कैसी रही मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी दिवाली भैया।